इसी के अंदर क्लासिफिकेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल रहेगा, उसके अंदर पहले तो हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशंस, ऑफ पीरियोडिक टेबल, हम इस तरह से क्लासिफाइड करते हैं पीरियोडिक टेबल को चार पार्ट में। ध्यान से देखिएगा, यहां हमारे पास जो होता है ये वाला पार्ट, तो अलग अलग पार्ट अलग अलग हमारे लिए कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कहलाते हैं हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट, ये कहलाते हैं हमारे लिए डी ब्लॉक, ये हमारे लिए कहलाते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये कहलाते हैं हमारे लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर आप मुझसे सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन पूछते हो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम कैसे करेंगे, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एनएस में। तो हमारा मेन क्लासिफिकेशन ही यही रहेगा, यहां से स्टार्ट रहेगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो लिखिए इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट एंटर इन एस सबशेल सबशेल में जाता है तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल में भी जाएगा, एस सबशेल और ऑर्बिटल कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हम इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, यस और नो? तो इससे भी क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, सेकेंड यानी बी एग्जाम्पल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, सी 1s2, 2s2, 2p5, 3s1 एंड डी, नन ऑफ दिस। क्या लग रहा है आपको आंसर क्या जाएगा एबीसीडी में से, जल्दी से बोलो, कोई भी बोलो, आपको क्या लग रहा है? देखो ए आंसर नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में नहीं जा रहा है, डी में जा रहा है, जिंक बन रहा है, ठीक है? तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। दूसरा ये भी नहीं है क्योंकि ये कॉपर है, वो जिंक था ये कॉपर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भी डी में ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारे लिए है, आपको लग रहा है सर अनफिल्ड तो ऐसे है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में, जरूरी नहीं है जो दिख रहा हो वही हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डी में जाएगा, ठीक है? और ये
पता भी आपको कॉपर है एक्सेप्शनली, और कॉपर कौन सा है, डी ब्लॉक का। ये भी नहीं है, आपको लग रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, नहीं। आप ये बात मान के चलिए नियोन है, क्योंकि बिना पी भरे हुए एस नहीं भर सकते, तो फिर आपने एस क्यों भरा है। तो ये नियोन की एक्साइटेड स्टेट है हाईली, इसमें इलेक्ट्रॉन पी वाला एस में चला गया, तो बिना पी भरे तो आप नहीं जा सकते। तो आप पहले इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट का पता लगा लें टोटल, सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये एलिमेंट कौन सा है, और अगर इलेक्ट्रॉन आपको एस दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, उसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। तो आंसर क्या जाएगा, जब तीनों आंसर नहीं है तो आंसर क्या जाएगा, डी, नन ऑफ दिस। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट। मैं एक और अच्छा एग्जाम्पल बना देता हूँ, जो नन ऑफ फर्स्ट वाला जिंक है बेटा, सेकंड वाला कॉपर है, लिख लो। एक और ले लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s1, 3p1। बताइए ये कौन सा एलिमेंट है। आप देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप, 10, 11, 12 मैग्नीशियम है, बोलो यस और नो। तो यही आपका आंसर होगा। तो जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वही हो, आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, ये की पॉइंट की तरह लिखना है, काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड में फाइंड एलिमेंट एंड देन फाइंड ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है, देन फाइंड ब्लॉक। तो ये एस पी एस डी और यहां पी और ये एफ। तो ये तो रहा आपके पास एस ब्लॉक के ऊपर एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे एस ब्लॉक के बारे में हम फर्दर बात करेंगे, एस ब्लॉक को एस ब्लॉक को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, 1a फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, या फिर इसको बोलेंगे हम फर्स्ट ग्रुप और इसको बोलेंगे सेकेंड, या फिर इसको बोलेंगे हम एल्कली मेटल, और ये हो जाएंगे हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कली मेटल्स प्लस हाइड्रोजन हमारे पास आता है इसमें, हाइड्रोजन मेटल नहीं है इसलिए उसको मैं अलग से ऐड करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट ग्रुप में कौन है, एल्कली मेटल्स प्लस हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है। तो यहां हमारे पास आएंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, रेडियो एक्टिव। जबकि दूसरी तरफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नहीं क्या करें, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो ये हमारे पास छोटे छोटे से पॉइंट हो गए, ये सभी मेटल है, समझ में आ रहा है। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं हम, वैसे आप एस ब्लॉक में बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको मालूम होनी चाहिए। तो जनरल प्रॉपर्टी, ऑफ फर्स्ट ए यानी एल्कली मेटल्स, फर्स्ट फर्स्ट ए के लिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन,
एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल अदर आर मेटल. सेकेंड, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मूविंग डाउन द ग्रुप, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस NS1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1. नेक्स्ट, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, यानी यहां पर क्या पीरियड नंबर आएगा? हमेशा ऐसे कोई भी पीरियड पीरियड ऐसे ही चालू होता है, तो यानी यहां पर पीरियड नंबर होगा, यस और नो? फोर्थ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, यानी मेल्टिंग पॉइंट मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है. मेल्टिंग पॉइंट मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, तो ये डिक्रीज हो जाएगा. यानी अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो लिथियम का सबसे ज्यादा, लिथियम फिर सोडियम फिर रूबी, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम, ये रहेगा. फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट डक्टाइल नेचर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, डक्टाइल नेचर, मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज होता है तो डक्टाइल नेचर भी मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा. डक्टाइल नेचर मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. आप अच्छे से जानते हैं डक्टाइल का मतलब क्या है, जिसका वायर बना सकते हैं, जिसका वायर नहीं बनता वो क्या कहलाते हैं? ब्रिटल. तो सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होगा? लिथियम. इन सब में लिथियम ही ऐसा मेटल है जिसकी प्लेट बनाई जा सकती है, प्लेट यानी कि पतला कर सकते हो आप, लेयर प्लेट बना सकते हैं. सोडियम को अगर बनाने की कोशिश करेंगे टूट जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है. पोटेशियम तो बिल्कुल पापड़ की तरह होता है, हल्का सा भी कुछ करा खट वहीं टूट जाएगा, डक्टिलिटी. और रूबीडियम सीजियम तो मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है, थोड़ा सा भी हीटिंग हुई, हल्की सी भी गर्म हुआ, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, लिक्विफाइड हो जाएंगे. तो लिथियम सबसे ज्यादा डक्टाइल है, सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम. तो काफी हद तक सोडियम सॉफ्ट है और सोडियम का आप आराम से चाकू से काट सकते हैं, और पोटेशियम को तो चाकू की भी जरूरत नहीं है, आप हाथ से भी काट सकते हैं. फिफ्थ, सिक्स पॉइंट, सिक्स पॉइंट हमारे पास आ रहा है. ये बात तो हमारे लिए क्लियर है पूरा. रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी से मैं आपको पहले बोलूंगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर. इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का मतलब सीधा है टेंडेंसी टू, टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, सॉरी क्या बोल रहा हूं, टू फॉर्म केटायन, टेंडेंसी टू फॉर्म केटायन, सिर्फ केटायन, मेटल केटायन, मेटल केटायन, टू फॉर्म केटायन, टेंडेंसी टू फॉर्म केटायन इन मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप इन केसेस, इन केसेस.
तो ये हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज होगी, यानी कि लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम, पोटेशियम से सीजियम, सीजियम से वही आप समझ सकते हो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव है। बाकी सोडियम की ही रिएक्टिविटी ये है कि इसको आप एयर में नहीं रख सकते, एयर में भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो सोडियम को आपको किस में रखना पड़ेगा, केरोसिन में। तो यहां से लेके यहां तक हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव है, तो ये हमारे लिए हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम इसको रखते हैं पोटेशियम या सोडियम को, सोडियम स्टोर इन कैरोसिन, तो सोडियम को हम कहाँ रखेंगे, कैरोसिन में रखेंगे, यानी कि ऑयल के अंदर। अकेला सोडियम ही अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये जल जाता है, तो डांसिंग एलिमेंट की तरह काम करता है ये, बिल्कुल पानी में अगर डालोगे तो ये ब्लास्टिंग करने के काम आता है। जो इफेक्ट्स होते हैं ना मूवीज के अंदर पानी में बम फोड़ने के लिए, वो कुछ ही नहीं करते, पानी में सोडियम का इतना सा पीस डालते हैं, और इतना सा पीस यानी कि आधा किलो से भी कम का आप अगर डालोगे तो बहुत बड़ा बम जैसा धमाका होता है पानी में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वाटर के साथ। ठीक है, मैं आपको इसके फोटोग्राफ दिखाऊंगा, फिलहाल तो ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट सेवेंथ, एक और पॉइंट, मूविंग डाउन द ग्रुप, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड मास ऑल्सो इंक्रीजेस। बिल्कुल, हर एक इलेक्ट्रॉन एक नए शेल में जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से दोनों इंक्रीज होते हैं, लेकिन मास डोमिनेट कर जाता है जनरली, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी तो आपके लिए डेंसिटी क्या होगा जल्दी से बताइए, इंक्रीज या डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीजेस, वॉल्यूम इतना डोमिनेट नहीं करता जितना मास करता है, वॉल्यूम बढ़ता है मास भी बढ़ता है, तो एक्सेप्शन होने के चांसेस है, तो एक्सेप्शन कहाँ होगा, लिथियम फिर पोटेशियम फिर सोडियम रुबिडियम सीजियम, एक्सेप्शन बन चुका है पोटेशियम, एक्सेप्शंस वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई ड्यू टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ड्यू टू एम टी डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एम टी डी ऑर्बिटल, तो पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से भी कम हो जाती है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आप आराम से समझ सकते हैं एस ब्लॉक के लिए, क्लियर है, लिखे इनको। सारे मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट है, ऑल मेटल्स आर सॉफ्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट मेटल
गुड कंडक्टर ऑफ ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, हाईली रिएक्टिव विद वाटर, हाईली रिएक्टिव विद वाटर। तो अगर कोई भी मेटल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लिया और H2O ले लिया, तो NaOH प्लस हाफ H2 बनेगी और ये हाफ H2 O2 के साथ रिएक्शन करके वापस H2O बना देगी और ब्लास्टिंग के साथ होगी, यानी बम की तरह जो फूटता है उसे मैं ब्लास्टिंग बोलता हूँ। एक्सोथर्मिक तो है ही लेकिन बम की तरह एक्सोथर्मिक रहेगा। 10, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं। देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी लो, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी लो, यानी अगर कोई भी मेटल ले लिया जाए सोडियम, तो एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकाल देगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनर्ट गैस, फॉर्मेशन ऑफ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए मेटल्स के लिए हैं, एस ब्लॉक के मेटल्स के लिए। तो लिख लीजिए इन सबको। अगर हम बात करें दोनों में ही कुछ खास पॉइंट से, 8 नंबर, मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिक्रीजेस एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो जितना मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत अच्छे पॉइंट है। 9th, आयनिक करेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल, मेटेलिक बॉन्ड कंपाउंड जो भी है वो हमारे पास, तो आयनिक करेक्टर ऑफ मेटल सॉल्ट जनरली डाउन द ग्रुप आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, आयनिक करेक्टर ऑफ सॉल्ट जनरली क्या होगा, इंक्रीजेस होगा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहे तो आसानी से मेटल सॉल्ट आयनिक करेक्टर लेते चले जाएंगे, इंक्रीजेस। ये हमारे पास पॉइंट्स होगा। इसके अलावा 10th मैं आप एक कंबाइंड पॉइंट लिखना चाह रहा हूं, ऑल एस ब्लॉक मेटल्स, ऑल कुछ एक्सेप्शन भी बनेंगे इसलिए हम बोल सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट शो लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। सो दे शो फ्लेम कलर, फ्लेम कलर, फ्लेम इन फ्लेम टेस्ट। ये फ्लेम टेस्ट होता क्या है पहले ध्यान से देखिए। यहां हमारे पास प्लेटिनम वायर के साथ हम उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। पास है एक प्लेटिनम वायर, ये वायर रखा हुआ है, ठीक है, ये उसका हैंडल लॉक पकड़ने का, ये आपने पकड़ा, ये फ्लेम है, बात समझ में आ रही है। इसमें आपने थोड़ा सा एलिमेंट लगा दिया, हल्का सा, टच करते नहीं होते घुमा के गरम करके, तो यहां जो फ्लेम आएगी, फ्लेम बनेगी, उसके कलर से
ये जो फ्लेम बनती है ना, कलर ऑफ फ्लेम, उससे हम इस का आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल है। कलर ऑफ फ्लेम शो द नेचर ऑफ मेटल, शो द नेचर ऑफ मेटल, ऑफ मेटल यानी ये कहलाता है फ्लेम टेस्ट। कोई भी मेटल ले लिया जाए इस ब्लॉक का, वो कोई ना कोई कलर की फ्लेम बनाएगा। कुछ ऐसे मेटल है जिनके आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होते हैं, जैसे बेरेलियम, वो कलर नहीं देगा, बाकी तो देंगे। तो कौन कौन देगा कौन नहीं देगा ये हम अलग से लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए, बेरेलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट शो एनी कलर टू द फ्लेम। बेरेलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो रहा हमारे पास एक पॉइंट, लेकिन बाकी जो देते हैं वो कौन सा कलर टेस्ट देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड, तो मेटल हम बात कर रहे हैं, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, और कौन सा कलर होगा जनरेट वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा मेटल कौन सा कलर की फ्लेम जनरेट करेगा। मैं आपको इसका टेस्ट दिखाऊंगा बकायदा वीडियो में, तो आपको बताऊंगा मेटल को गर्म किया जो बनने वाली फ्लेम है वो कभी ब्लू कलर की दिखेगी, कभी आपको रेड कलर की दिखेगी, और रेड में भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ग्रीन कलर की दिखेगी। तो वो आपके साथ यहाँ पर आ जाएगा कौन से कलर का फ्लेम टेस्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेबल के अंदर अलग अलग कलर की। लिथियम देता है क्रिमसम, लिथियम देता है क्रिमसम रेड, अलग अलग मेटल अलग अलग देंगे। लिथियम दे रहा है क्रिमसम लाइट, सोडियम दे रहा है गोल्डन येलो। सोडियम कौन सी देगा आपके लिए, गोल्डन येलो। तो आप किसकी तरह मूव कर रहे हैं, ब्लू की तरह मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप जाने पर, समझ में आ रही है। तो आपके लिए क्रिमसम रेड, गोल्डन येलो, पोटेशियम आ रहा है पेल वॉयलेट, पोटेशियम आपके लिए आ गया पेल वायलेट, पेल वायलेट लिख लीजिए। फिर आते हैं इसके बाद रूबीडियम, रूबीडियम कौन सा देगा आपके लिए, रेड वायलेट, रेड वायलेट। फिर आता है आपके पास सीजियम। तो मूविंग डाउन द ग्रुप जाने पे आप किसकी तरफ भाग रहे हैं, वायलेट की तरफ, ब्लू की तरफ। तो पैल ब्लू, ये हमारे पास कलर है कौन से मेटल्स के लिए, फर्स्ट ए के। अब सेकंड ए में हमारे पास आता है कैल्शियम, ब्रिक रेड। क्यों मैंने बेरिलियम मैग्नीशियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो है ही नहीं, कलर ही नहीं देते। तो यहां पर ब्रिक रेड, तो बेरिलियम मैग्नीशियम देते नहीं है कैल्शियम। अब स्ट्रॉन्शियम हमारे पास आता है, स्ट्रॉन्शियम क्रिमसन रेड, क्रिमसन रेड, और फिर उसके बाद कौन आएगा, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, बेरियम एप्पल ग्रीन, ये कलर आपको याद करने हैं, जिससे आपसे एक क्वेश्चन और बन जाए इस तरह का। तो अलग अलग मेटल अलग अलग कलर्स आपको जनरेट कर रहे हैं, ये आपने पढ़ा एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। या सुनो तो लिख लीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट में या राइट में, राइट में, सही है। तो ये बात तो आपके समझ में आ गया होगा, पी इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन
एंटर इन पी सबशेल देन कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स देन एलिमेंट कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए दूसरा पॉइंट, क्या ये मेटल होते हैं, क्या ये नॉन मेटल होते हैं, ये सब होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये सब है। थर्ड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक और खास है, एलिमेंट्स आर सॉलिड, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, यानी ये पी ब्लॉक के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे को समझ में आना चाहिए कि पी ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। ऑल इनर्ट गैस एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम एस ब्लॉक का है, एक्सेप्ट हीलियम आर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं छोटा सा स्टेटमेंट लिख देता हूं, ऑल पी ब्लॉक आर, ऑल इनर्ट गैस आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम ऐसा फील आता है क्योंकि पूरा राइट में लिखा रहता है कि ये पी ब्लॉक है, नहीं है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, उसका एस में, तो कहलाएगी वो एस ब्लॉक की। नेक्स्ट फिफ्थ, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है या ज्यादा होती है? जनरली कम होती है, किससे, मेटल्स के कंपेयर में। जनरली दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, और क्या हमारे पास आ सकता है पी ब्लॉक के लिए? पी ब्लॉक के लिए हमारे पास और भी आ सकता है, पॉइंट्स वाइज लिखते जाए। फोर्थ पॉइंट में इनर्ट गैस, ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे को दिमाग में लगाने हैं पी ब्लॉक के लिए। और आप अच्छे से जानते हो पी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, सही है, हम देखते हैं तो बोरोन से लेके लास्ट हीलियम तक सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा एक और पॉइंट था, कहां से स्टार्ट होते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड? थर्ड ए, थर्ड ए को क्या बोलोगे आप, थर्टीन, थर्टीन या कुछ और, थर्टीन, फ्रॉम थर्टीन यानी थर्ड ए, और फिनिश कहां पर होते हैं, एंड फिनिश जीरो, जीरो को कौन सा बोलते हैं आप, एटीन ग्रुप, ये सारे पी ब्लॉक के लिए बोल सकते हैं। तो ये पी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज आ गई आपके पास। इसके बाद आपके पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो हेडिंग डाल लीजिए आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2
NH2, अगर आप भर रहे हैं, अगर N-1, N-2 F है, तो F 14, N-1 भी भरा हुआ है D का 10, फिर NP1 से लेके 6 तक ये इसके लिए रहता है। अगर F और ये नहीं है तो NH2 NP 1 to 6 ये चलेगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। F में हमेशा N-2 चलता है, D के अंदर N-1 चलता है। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NP 1 to 6। तो ये हमारे पास है। इसके अलावा जो आप बोलते हो डेंसिटी ऑर्डर, वो बहुत ज्यादा जिग जैग है, उस पर नहीं कर सकते। मेल्टिंग पॉइंट जनरली मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन ऐसा यहाँ कभी भी नहीं है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कार्बन का होता है, यानी ऊपर। तो यहाँ एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है, तो कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीजें उतार लीजिए। पहले तो डी ब्लॉक की डेफिनेशन लिखिए। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल, देन इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल देन एलिमेंट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट ये हमारे पास आ रहा है। और एक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशंस एलिमेंट। थोड़ा सा अंतर है ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट में। क्या है डेफिनेशंस? इफ मेटल और स्टेबल मेटल आयन हैव एम्प्टी डी सबशेल, यानी डी सबशेल खाली पड़ा हुआ है, देन मेटल कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आसान भाषा में अगर मैं बात करता हूं जिंक की, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये जिंक का है। बोलो यस और नो? लेकिन जिंक प्लस टू का क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। क्या यहां पर डी खाली है? नहीं है। तो जिंक इज नॉट ए डी ब्लॉक एलिमेंट, जिंक इज नॉट ए डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रहेगा डी ब्लॉक का। रीजन साफ है, पता चल रहा है कि वही ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो। क्या यह एम्प्टी है? नहीं है। तो और ऐसे कौन से हैं की पॉइंट्स? जिंदगी कैडबरी होगी। तो की पॉइंट हमारे पास हो रहा है जिंदगी कैडबरी होगी, यानी ये तीन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस इसके अलावा अगर कॉपर को चेक करते हो तो कॉपर भी फिलअप है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। भरा हुआ तो है,
तो बताओ कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Cu प्लस टू, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 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 9, 4s0. एम्प्टी है, सो कॉपर इज ट्रांजिशन एज वेल एज डी ब्लॉक एलिमेंट. तो आसान भाषा में ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंदगी कैडबरी होगी, जिंक कैडमियम मरकरी. हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो लिखें इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, ऐसे समझ लीजिए. लास्ट का हम बता रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा N-1 D. यहां हमारे पास 1 से लेके 10 तक और S के अंदर 0 से लेके 2 तक NS2. ये हमारे लिए D ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है. डी ब्लॉक में हमेशा इलेक्ट्रॉन N-1 यानी पेनल्टी में HCl बोलते हैं में जाता है. N-1 को क्या बोलते हैं? पेनल्टी. N-2 को एंटी पेनल्टी. नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट्स आते जा रहे हैं. तो ये हमारे पास थर्ड नंबर का हो गया. फोर्थ, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एलिमेंट आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. आपको मालूम है सिल्वर की कंडक्टिविटी कॉपर से भी ज्यादा होती है और कॉपर की एल्यूमिनियम से. हमारे रोड वायर किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के. सिल्वर के क्यों नहीं बनाते जब सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा है? चोरी हो जाएंगे सारे के सारे. पक्का सिल्वर बहुत महंगा है, इतना अफोर्ड कर पाओगे क्या? आप नहीं कर पाओगे. तो कॉपर भी नहीं कर पाओगे इवन. तो एल्यूमिनियम के बनाने हमारी मजबूरी है. आपने देखा होगा कई बार वायरिंग एल्यूमिनियम की जगह कॉपर की करते हैं, खास तौर पे एयर कंडीशनर के अंदर कॉइल की. तो ही कॉस्ट आपकी 1000 से 5000 तक बढ़ जाती है. कॉपर बहुत महंगा आता है और उसमें भी प्योर कॉपर और भी डबल रेट का होता है. एक होता है एलॉय ऑफ कॉपर और एक होता है प्योर कॉपर और महंगा होता है. तो वायर की रेंज बहुत ज्यादा चेंजेज हो जाती है. कुछ वायर बहुत सस्ते होते हैं, कुछ डबल तक महंगे होते हैं ड्यू टू प्योरिटी ऑफ कॉपर. कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. सिल्वर की तो बात छोड़ ही दो, सिल्वर तो बहुत महंगा है. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट. हाँ बेटा. नहीं यहाँ नहीं है, सब कंडक्टर है. बहुत ज्यादा नहीं लेकिन माइनर तो है. और लेड वैसे भी यहाँ नहीं है, काशी गए संत प्रभु, भूल जाओ. तो कोई नहीं है. अब आगे करें अपन. या सुनो, तो मैं फिर आपके पास आ रहा हूं. ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स सॉलिड है, एक्सेप्शन है, ठीक है. देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई,
बहुत ज्यादा होता है और सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट के एग्जांपल है टंगस्टन। हाईली डक्टाइल कौन है? डक्टाइल, दे आर गुड डक्टाइल। और गुड डक्टाइल में डक्टाइल नेचर सबसे ज्यादा किसका है? हाईएस्ट डक्टाइल कौन है? दोनों में लगभग लगभग बराबर है, एक तो है टंगस्टन एक गोल्ड है, लेकिन थोड़ा सा टंगस्टन ज्यादा है। ठीक है, गोल्ड मैं इनमें ले रहा हूं कंपैरिजन, एग्जैक्ट हर जगह डाटा याद नहीं रहते आपको। सही है, सेवेंथ एट्थ। अगर आप बात करते हो कि डेंसिटी, डेंसिटी मैं यहां पर दोनों की बराबर रख लेता हूं, गोल्ड की भी। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? डेंसिटी, देयर डेंसिटी इज वेरी हाई। अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक मेटल, इज वेरी हाई, वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा डेंस है, मोस्ट डेंस एलिमेंट कौन सा होगा? ऑस्मियम एंड इरिडियम, दोनों की बहुत ज्यादा है, बराबर है, अप्रोक्सीमेट 27.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सोच लीजिए कितना भारी है, बहुत भारी है। अगर आप इतना सा पीस ले लेंगे, 1 लीटर जितना पीस, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर डेसीमीटर डेसीमीटर, पता है वजन कितना होगा? 27 किलो, बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा। वैसे गोल्ड और सिल्वर की भी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकी तो कुछ ज्यादा ही है। तो ये डी ब्लॉक की कुछ खास पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिए जो जरूरी है।